7 फरवरी आरबीआई जारी करेगा क्रेडिट पॉलिसी, ब्याज दरों में हो सकता है बदलाव। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 7 फरवरी को अपनी क्रेडिट पॉलिसी जारी करेगी। सरकार महंगाई को कम करने के लिए ब्याज दरों में बदलाव भी कर सकती है। रिजर्व बैंक की एमपीसी द्विमासिक समीक्षा बैठक मुंबई में 5 से 7 फरवरी तक होगी। आरबीआई के नए गवर्नर शक्तिकांत दास के कार्यकाल की यह पहली समीक्षा बैठक है। दास ने 12 दिसंबर को आरबीआई की कमान संभाली। आपको बता दें कि राजकोषीय मोर्चे पर चुनौतियों और कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने से समिति के लिए नीतिगत ब्याज दर घटाना अभी संभव नहीं लगता है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट समीर नारंग ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति आगामी 7 फरवरी को अपने नीतिगत रुख को नापतोल कर कठोर बनाने की जगह तटस्थ कर सकती है। वहीं अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान खुदरा महंगाई रिजर्व बैंक के 3.8% के अनुमान से कम रहकर 2.6% रही थी। नारंग जानकारी देते हुए बताया कि महंगाई में उल्लेखनीय कमी और वैश्विक वृद्धि सुस्त पड़ने से 2018-19 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 4% के डेय में रहने वाली है। इससे रिजर्व बैंक को नीतिगत रुख बदलने का मौका मिलेगा। हालांकि स्वास्थ्य, शिक्षा और घरेलू एवं निजी सामान जैसे मुख्य कारकों के उच्च स्तर से दरें बदलने की गुंजाइश सीमित है। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। अपना सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल डंके की चोट पे को जरूर सब्सक्राइब करें।